वेलकम फ्रेंड्स टू दुनिया कैमरा डॉट कॉम चैनल। मेरे पास सवाल आ रहे हैं दैट कि सर मैं Z50 कर दूं, R10 कर दूं या A6 फोटो थ्रू कैमरा अंडर 1 लाख और उन्हें करनी है वेडिंग फोटोग्राफी, सिनेमाटोग्राफी, वीडियोग्राफी। तो यहां पर वो कंफ्यूज हैं एक्चुअली आफ्टर द अनाउंसमेंट ऑफ R10 कैमरा कि वो कौन सा कैमरा खरीदे। देखो मेरे दोस्त, आई हैव ऑलरेडी डन कंपैरिजंस इन बिटवीन ऑल दीज 3 कैमरा और उन कंपैरिजंस को आपको आप देखोगे तो आपको बहुत ही एक अच्छी क्लैरिटी आ जाएगी कि स्पेसिफिकेशन वाइज इनमें क्या डिफरेंसेस है। ठीक है, सो इन शॉर्ट मैं आपको बता दूं कि R10 कैमरा इन कंपैरिजन टू A6 फोटो थ्रू कैमरा और Z50 स्पेक्स वाइज काफ़ी तगड़ा कैमरा इस बार कैनन ने अनाउंस कर दिया, क्योंकि वो इतनी लेट अनाउंसमेंट करी है उन्होंने। तो उन्होंने सोचा कि कुछ अगर एग्रेसिव कोर स्पेक्स इसके अंदर हम नहीं डालेंगे तो कैसे कंज्यूमर बेस उनकी तरफ खिंच के आएगी। सो दे हैव डन द थिंग दे हैव टू डू, उससे अगर उन्होंने कुछ करा नहीं, एक एग्रेसिव कोर स्पेसिफिकेशन डाल दी जो कि R10 की जरूरत थी इस समय, उन्होंने डाला है, दैट्स अमेजिंग। और मैंने बहुत ज़्यादा अप्रिसिएट भी करा इसे कि भैया आपकी R3 के जो AF प्रोसेसिंग पावर है वो अपने R10 कैमरे के अंदर डाल दी, शूटिंग स्पीड अप टू 23 FPS एंड विथ मैकेनिकल शटर यू हैव अप टू 15 FPS, वीडियोज़ में भी 10 बिट की वीडियोज़ मिल रही। और इसके अगेंस्ट में हमारा कैमरा कौन है, A6 फोटो थ्रू कैमरा, इसके अगेंस्ट में Z50 है। बजट है आपका, जैसे आपके क्वेश्चंस में मुझे मिल रहा है समवेयर अराउंड 1 लाख का, एंड यू आर कंफ्यूज्ड एज वेडिंग फोटोग्राफर, सिनेमाटोग्राफर, वीडियोग्राफर की कौन सा कैमरा पिक कर। देखो मेरे दोस्त, कैमरे की स्पेसिफिकेशन चाहे जो भी हो, ठीक है, वेडिंग फोटोग्राफर का अपना एक दायरा होता है। आप 10 FPS के ऊपर वेडिंग फोटोग्राफी में नहीं यूज़ करने वाले, ठीक है, कैमरे के अंदर अवेलेबल है 23 FPS, 15 FPS, काइंड ऑफ ए मार्केटिंग थिंग थी कि वो दे रहे हैं। अगर आप वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर होते और आपका क्वेश्चन मेरे पास आता तो मैं कहता हूँ भैया आप अपनी आंखें बंद करो और R10 को ख़रीद लो। अगर आप वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर होते, अगर आपने स्पोर्ट्स इवेंट शूट करना है तब तो R10 आपके लिए बेस्ट है। बट क्या आप वेडिंग फोटोग्राफी में किस तरह की वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करने वाले हो जो आप एक 23 FPS और 15 FPS का कैमरा लेने चले हो? ठीक है, यू कैन हैव दैट कैमरा, बट द बिगेस्ट प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद कैनन राइट नाउ, जो कि खुद कैनन इसे एक्नॉलेज नहीं कर रहा है, वो है इसकी लिमिटेड लेंस सिस्टम। इकोसिस्टम बहुत लिमिटेड है, या देर आर DSLR लेंसेज। तो मैं उनको ये खुलेआम ये बातें कहता हूँ कि जिनके पास ऑलरेडी कैनन के DSLR लेंसेज है, क्योंकि ये लिमिटेड इकोसिस्टम से कैमरा आ रहा है, तो जिनके पास एटलीस्ट 50mm की भैया आपके पास प्राइम लेंस है, 50mm 4.8 की भी प्राइम लेंस आपके पास बची पड़ी अपने DSLR कैमरे की, तो आप एक एडेप्टर के साथ R10 ले सकते हो। ठीक है, चलो आपके पास ऑलरेडी एटलीस्ट एक DSLR लेंसेज तो है, बट जो बिल्कुल ही नए हैं, अगर आप फिर से एडेप्टर खरीद के फिर से DSLR लेंसेज में इन्वेस्ट करने जाओगे, और आपको पता है मैक्सिमम DSLRs के अंदर अल्ट्रासोनिक मोटर है, आज की RF माउंट की लेंसेज की तरह स्टेपिंग ड्राइव, एडवांस स्टेपिंग ड्राइव मोटर नहीं, तो आपको वीडियो में उतना कंफर्टेबल फील नहीं होगा अपनी उन DSLR लेंसेज के साथ जो आप एडेप्टर के साथ यूज, या अप टू AF परफॉर्मेंस आपका डिसेंट रहेगा जब तक आप स्टिल फोटोग्राफी कर रहे हो, ठीक है, बट वीडियो में उन पुरानी AF मोटर्स के साथ उतना अच्छा आपको परफॉर्मेंस शायद मे बी यू गेट फ्रॉम सम लेंसेज बट नॉट ऑल। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पर कैनन की लिमिटेड AF परफॉर्मेंस है, यू आर इनटू कमर्शियल फोटो, आपने वेडिंग शूट करनी मेरे दोस्त, और आपकी जो रिक्वायरमेंट है इज नॉट 23 FPS, इज नॉट 15 FPS, आपको एक अच्छा स्टिल फोटोग्राफी कैमरा चाहिए। और चलो स्ट्रेट फॉरवर्ड ISO के कंपैरिजन करते हैं, R10 कितने तक जा सकता है, 51,200 तक। A6 फोटो थ्रू कैमरे की मैक्स ISO रेंज क्या है, 102400, Z50 की क्या है, 204800। लिटरली अगर आप इन सेंसर की ISO परफॉर्मेंस को कंपेयर करोगे, नॉट ओनली द स्पेक्स शीट, अगर आप डिजिटल फोटोग्राफी रिव्यू में भी कंपेयर करो, या द निकॉन Z50 डू हैव अमेजिंग लो लाइट परफॉर्मेंस, बट अगेन Z50 के साथ भी हमें कैंडल लाइट वेडिंग फोटोग्राफी तो नहीं करनी कि कैंडल्स जला हुआ अब हमें वेडिंग शूट करना है। तो वेडिंग फोटोग्राफी आप कर रहे हो तो एटलीस्ट आपने पास लाइट रहती है, सराउंडिंग्स वेल लाइट रहती है। सो ऐसा सेंसिबल कैमरा चाहिए जिसके साथ हमें काम करने में कोई दिक्कत नहीं हो और उसकी लेंसेज की रेंज काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल हो, इस तरह के कैमरे के साथ आपको काम करना। सो लिटरली यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये नहीं कि सर मेरा मन कर रहा है कि अब क्या मैं R10 ले लूँ, आपका मन कर रहा है तो आप फिल्म कैमरे के साथ फोटोग्राफी करो, आपका मन कर रहा है तो आप स्मार्टफोन के साथ फोटोग्राफी करो, बट एक स्मार्टफोन वाली माइंडसेट लेके आप वेडिंग फोटोग्राफी में नहीं इंटर कर सकते हो कि मुझे ये कैमरा बॉडी पसंद है सर, क्या मैं ये लेके कुछ भी कर सकते, नो यू आर नॉट एबल टू डू। एक स्मार्टफोन माइंडसेट के साथ आप वेडिंग फोटोग्राफी में मत घुसो कि सर अभी R10 आ गया मैं R10 ले लूँ या मैं Z50। देखो मेरे दोस्त, अभी
जो बेस्ट सिस्टम है जिसके साथ अगर आप प्रोफेशनल वेडिंग फोटोग्राफी करते हो या इसमें आगे बढ़ना चाहते हो, द ओनली कैमरा इन फ्रंट ऑफ अस इज A6 फोटोग्राफर कैमरा। उसके साथ जो लेंसेस है सिग्मा की ट्रैवल लेंसेस है, उसके साथ आपने टैमरॉन की 70-70 अप 2.8 लेंस अवेलेबल है। आप ये जस्ट इमेजिन करो, अगर आपने टैमरॉन की 70-70 अप 2.8 लेंस खरीद ली, उसके बाद 70 mm की जो आउटपुट रहती है पोर्ट्रेट्स की, तो यू डू नॉट नीड एनी स्पेसिफिक एंड डिफरेंट एक्स्ट्रा पोर्ट्रेट लेंस। बहुत अच्छी कैंडिड पोर्ट्रेट्स निकाल सकते हो 70 mm की लेंस के साथ, अगर आप टैमरॉन की 70-70 यूज़ कर रहे हो। सो बी प्रैक्टिकल, यू आर अ प्रोफेशनल वेडिंग फोटोग्राफर, आप प्रोफेशनल वेडिंग फोटोग्राफी कैरियर की शुरुआत करो। इसमें आपका मन नहीं है, आपका मन कर रहा है मैं ये ले लूँ मैं वो ले, आप Z50 ले सकते हो, आप R10 ले सकते हो, बट उस लिमिटेशंस को समझ कर लेना, उनके साथ जो लिमिटेशंस है कि यहाँ पर आपकी जो ग्रोथ है उसकी बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं। फिर आपने किट लेंस के साथ काम चलाना हो, फिर आपको अपने ज़रूरत की प्राइम लेंसेज खरीदनी होगी। फॉर एग्जांपल कैनन के अंदर अभी बहुत सारी प्राइम लेंसेज आ गए, 23 mm, 35 mm की माइक्रो, 50 mm की, 85 mm की माइक्रो, कई सारी वाइड वेराइटी ऑफ लेंसेज है। फिर लेंसेज की सिलेक्शन आपको बहुत ध्यान से करनी होगी। ये कैमरे बहुत अच्छे हैं, आई डू एग्री विद दिस, मैंने वीडियो की शुरुआत में ही पहले कह दिया दैट R10 हैज़ बेस्ट इन क्लास कोर स्पेसिफिकेशन। अगर आप AF सिस्टम की बात कर लो, कंटिन्यूस शूटिंग स्पीड की बात कर लो, वीडियो रिकॉर्डिंग की बात कर लो, बट जैसे मैं कहता हूँ कि एक वेडिंग फोटोग्राफर का अपना एक रिक्वायरमेंट का एक दायरा होता है, एक बाउंड्री होती है, कि भले आपका कैमरा आपको 23 fps दे रहा है, भले आपका कैमरा आपको 10 bit दे रहा है, बट यू एक्चुअली नॉट रिक्वायर दोज काइंड ऑफ स्पेक्स व्हेन यू आर इनटू वेडिंग फोटोग्राफी। वी वेरी सेंसिबल अपने डिसीजंस के साथ, आप बहुत ज़्यादा क्लियर रहो तभी आप अपने सिस्टम के साथ काम कर पाओगे। यू हैव टू गिव आउटपुट टू योर क्लाइंट, और वो भी अगर मान लो आपकी जो बहुत उम्दा लेंसेस है आपके कैमरे की वो कहीं ना कहीं एक बजट रेंज में अवेलेबल है, बहुत सारी वैरायटी में अवेलेबल है, उस सिस्टम के साथ जुड़ो ना जहाँ पर आपकी क्रिएटिविटी भी ग्रो करे। ठीक है, यू लाइक अ कैनन सिस्टम कैमरा, यू मे लाइक अ Z50 कैमरा, बट यहाँ पर इकोसिस्टम कहाँ है इनका? दिस शुड अलाउ दिस थर्ड पार्टी लेंस मेकर टू मेक लेंसेज फॉर देम। जिस दिन ये अलाउ करते हैं, मान लो दोनों DSLR मेकर ने अपनी लेंस माउंट को ओपन कर दिया, तो अनडाउटेबली मैं फोटोग्राफर को रिकमेंड करूँगा दैट यू शुड हैव द Z50 कैमरा। इसकी जो लो लाइट परफॉर्मेंस जस्ट अमेजिंग है, और लेंसेज की भी सपोर्ट आ चुकी है, तो आप Z50 आराम से लो। वेन यू आर इन टू हाइब्रिड कैमरा, तो हाइब्रिड कैमरे में R10 से अभी अच्छा कोई नहीं है। बट वेडिंग फोटोग्राफी सिर्फ कैमरे की बात नहीं है, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, इट्स नॉट ए काइंड ऑफ स्मार्टफोन माइंडसेट के साथ वेडिंग फोटोग्राफी कैमरे की परचेज मत करो कि मुझे ये पसंद है मैं ले लूँ। यू हैव टू बी वेरी सेंसिबल विथ योर परचेज, और ये जो डिसीजन आप आज की डेट में लेगे ये फ्यूचर में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर देगी। सो यू हैव टू बी वेरी क्लियर विथ योर डिसीजन। सिर्फ कैमरा नहीं, कैमरे की लेंसेज वेडिंग फोटोग्राफी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती। अगर आप किसी भी अपने मेंटोर से पूछोगे दैट नॉट ओनली कैमरा, द लेंसेज आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन वेडिंग। एटलीस्ट आपको एक कवरेज लेंस चाहिए, एटलीस्ट आपको एक पोर्ट्रेट लेंस चाहिए व्हेन यू आर इनटू द बिगनिंग। जब आप बिगनिंग में तब ये दो लेंस चाहिए, फिर आप एडवांस और प्रो स्टेज में जाते हो तब आपके पास तो कई सारी लेंसेस आ जाएंगी, वो अलग बात। इवन फिर पोर्ट्रेट के लिए हो सकता है आप अपनी फुल फ्रेम कैमरे में 70-200 mm की लेंस यूज़ करो कि भाई मुझे अपने फुल साइज पोर्ट्रेट्स निकालने, काफ़ी अच्छी कैंडिडेट्स निकालनी है प्री वेडिंग शूट में, सो आई एम गोइंग टू यूज़ द 70-200 mm लेंस, और उससे बहुत अच्छी आउटपुट भी आती है, बिलीव मी। फिर आपकी डायमेंशन एक अलग लेवल पर जाएगी जब आप प्रोफेशनल वर्क पर उतरोगे, आपकी जब ग्रोथ होगी तो अलग बात है। बट राइट नाउ जब वेन यू आर इन लिमिटेड बजट, वेन यू आर इन टू APS-C सिस्टम, तब आपको बहुत ही क्लेवरली आगे बढ़ना है। तब आपने उस सिस्टम को साथ आपको चलना है जहाँ पर आपको एक मैक्सिमम ग्रोथ की पॉसिबिलिटी मिले, ये नहीं कि आप बाउंड्रीज में रुक जाओ। सो दिस इज़ माई एडवाइस टू यू। आई डू से टू यू कि स्पेक्स वाइज R10 कैमरे की कोई कंपटीशन नहीं, बहुत अपग्रेडेड स्पेक्स के साथ आए। और आपको लगता है कि भाई मुझे बस ले ही लेने चाहिए, तो मैं आपको रुकूंगा अभी नहीं, आप ले सकते हो, आप चाहे जो इन तीनों में से ले सकते हो, बहुत ही उम्दा कैमरे। बट मैं एज ए मेंटर आपका, एज ए गाइड आपको जो बेस्ट एडवाइस है वो दूँ, और वो एडवाइस यही है कि सिर्फ कैमरा मैटर नहीं करता, सिर्फ एक स्मार्टफोन मेंटेलिटी मैटर नहीं करती कि मैं बस एक स्मार्टफोन लेने जा रहा हूँ। यहाँ पर लेंसेज बहुत ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि आप एक वेडिंग फोटोग्राफर हो, आपको वो सारी स्पेसिफिकेशन नहीं चाहिए भले जो एक कैमरा आपको प्रोवाइड कर रहा है। एक कैमरा आपको 23 fps दे रहा है, एक कैमरा आपको 20480 ISO में दे रहा है,
शायद आपको ये कभी लगेगी भी नहीं, बट यू हैव टू टेक द कैमरा जिसके साथ वो सारे लेंसेस अवेलेबल है जो आपके फोटोग्राफी या सिनेमाटोग्राफी वीडियोग्राफी को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगी। दैट्स आई हैव टू से टू यू। आई होप यू अंडरस्टैंड आफ्टर दिस। एक सेंसेबल डिसीजन लो जहाँ पर ग्रोथ की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहे, जहाँ पर आपके पास एक बजट आए तो आप बेस्ट पॉसिबल लेंस खरीद सको अपने सिस्टम के लिए और अपने प्रोडक्टिविटी को बढ़ाओ, अपने रेंज को बढ़ाओ। सो दिस इज द एडवाइस आई वॉन्ट टू गिव टू यू। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, क्योंकि जो मैं बातें कह रहा हूँ उससे समझने के लिए भी आपको एक सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग होनी पड़ेगी, रखनी पड़ेगी, कि ये बातें आपको समझ आ जाएँ कि भैया मुझे एक कैमरा लेना है, आई शुड बी अनबायस्ड विद द कोर स्पेसिफिकेशन, मुझे क्या चाहिए उससे कोई फ़र्क ही नहीं आ पड़ता, मुझे उन सिस्टम के साथ यहाँ जुड़ना है जो मुझे हेल्प करेगा आगे बढ़ने में, जो मुझे कोई ब्लॉक नहीं लगाएगा अपनी ग्रोथ। आई हैव सेड एनफ फॉर दिस। इसके बावजूद भी आपके पास कोई क्वेश्चन है तो मैं वो आंसर करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूल जाना, और ऑफकोर्स डू कमेंट इन द वीडियो टू, बिकॉज योर लाइक्स एंड कमेंट्स हेल्प अस टू ग्रो। थैंक यू वेरी मच अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।